हेरा फेरी 3 आ रही है और ये बात सच है। मैं खुशी से पागल हो गया था ये सुनने के बाद, और वो पागलपन एक सेकंड में खत्म हो गया जब मैंने ये सुना कि जो राजू का कैरेक्टर है इस मूवी में अक्षय कुमार प्ले करते थे उसकी जगह कार्तिक आर्यन को कास्ट कर लिया गया है। तो कमेंट करने से पहले आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कैसे क्या हुआ था। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे वीडियोस के लिए। तो अक्षय कुमार के बारे में हम ये तो जानते हैं, वो कॉमेडी की बात जब आती थे वो एकदम बीस्ट बन जाते हैं, उनका कोई मैच नहीं है। वो उनका कॉमिक टाइमिंग भी बढ़िया और जबरदस्त है। और हाल फिलहाल में जो बॉलीवुड का हाल चल रहा है वो हम सभी जानते हैं। और इसी बीच जो एक बॉलीवुड की मूवी आई थी वो ब्लॉकबस्टर थी, वो मूवी थी कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 2, जो अक्षय कुमार की 2010 वाली भूलभुलैया का सीक्वल था। और इसी में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को उनका डार्क हॉर्स मिल गया था, क्योंकि जो कार्तिक आर्यन है वो एक आउटसाइडर है और उसका कोई नेपोकेट बोल के या एक्सेट्रा कुछ भी बोल के बॉयकॉट नहीं कर सकता। इसी वजह से उनको एक ऐसा बंदा मिल गया जो उनको पैसे कमाने का जरिया बन गया और बहुत ज्यादा पैसे कमा के दे सकता था। और अक्षय कुमार की जो रिसेंटली मूवीज थी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है जो 2021 से लेके 2022 तक हम ये बोल सकते हैं। और जो उनका काम करने का तरीका भी है, उनके दो साइड्स होते हैं। जो 30-40 दिन में फिल्म खत्म करने का जो उनका फेस होता है ना, उससे कहीं नाखुश है। और जो उनका फीस है 2 करोड़ का, एक बंदा अगर 100 करोड़ लेता है और 200 करोड़ में फिल्म बन जाती है तो 250 करोड़ कमाने पड़ेंगे एक मूवी को। तो कार्तिक आर्यन एक बेस्ट चॉइस बन जाता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए, जो बंदा फीस भी कम लेगा और पैसे कमाने का जरिया भी ज्यादा हो जाएगा। तो इनके दो साइड से डायरेक्टर की चॉइस भी पहले कार्तिक आर्यन हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि जो हाल फिलहाल में वो कॉन्ट्रोवर्सीज में फंस गए थे उसका भी थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जो ट्रस्ट थी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डगमगा गया। और दूसरी बात की ट्विटर पे जो कास्टिंग को लेके ऑडियंस नाखुश है, इनफैक्ट मैं खुद राजू के कैरेक्टर को किसी और एक्टर के रूप में इमेजिन भी नहीं कर सकता। इस मूवी के डायलॉग मुझे अभी भी याद है, एक एक लाइन एक एक सीन भी मुझे याद है। तो खैर, हम जितना भी रोल जितना भी माथा फोड़ ले, अक्षय कुमार इस रोल में वापस नहीं आने वाले हैं। हाँ, ये सच बात है। और जो क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से अक्षय कुमार इस रोल को रिजेक्ट कर दिए थे, मैं अब समझ जानते हैं कि अंदर की जो बातें हैं वो रिवील नहीं होने वाली। तो अभी बात करेंगे कार्तिक आर्यन इस रोल में फिट बैठते कि नहीं, काफी बात होगी जब ट्रेलर और टीजर आएगा। तो होप करते हैं फिल्म अच्छी निकल जाए, मैं होप करता हूँ, क्योंकि जो अक्षय कुमार बोला था ना स्क्रिप्ट राइटिंग में स्टोरी में इतना इंटरेस्ट नहीं, तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो क्योंकि वेलकम जैसा हाल ना हो जाए, वेलकम बैक जैसा, आप लोग जानती है उस मूवी में क्या हुआ। तो खैर, इस बातों को साइड में करके, तो आप लोगों को क्या लगता है इसको लेके, आपका क्या ओपिनियन है कास्ट को लेके, आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बताना। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल फ्री है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर मिलते हैं नए एक फ्रेश वीडियो में। तो टेक केयर एंड बाय बाय।